प्रयागराज में लगातार वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता चला जा रहा है। जहां 16 नवंबर को प्रयागराज का AUI 240 के ऊपर चला गया था, वही वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता नजर आ रहा है। वायु प्रदूषण को लेकर प्रयागराज में जिला प्रशासन अब काफी सख्त हो चुका है। जगह जगह पर चलाए जाने वाले अभियानों की वजह से प्रदूषण की स्थिति में सुधार आने की संभावना दिख रही है। इस विषय पर जानकारी देते हुए जिलाधिकारी प्रयागराज नवनीत चहल ने बताया कि वायु प्रदूषण को लेकर प्रयागराज प्रशासन काफी सख्त हो चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र द्वारा पारित आदेश के आधार पर प्रयागराज में नगर निगम एवं अन्य विभागों की सहायता से अभियान शुरू कर दिए गए हैं, जिसमें घरों के बाहर कूड़ा जलाने पर पाबंदी लगा दी गई है एवं जलाने वाले व्यक्ति के ऊपर 500 से 10,000 तक का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान कर दिया गया है। देखिए, पोल्यूशन के जो AQI लेवल्स हैं उनके ऊपर लगातार निगरानी पोल्यूशन डिपार्टमेंट के द्वारा रखी जा रही है, और साथ ही साथ जो पोल्यूशन मिटिगेटिंग तरीके हैं उनका भी अनुपालन करने के लिए सभी जो हमारे विभाग हैं उनको निर्देश दे दिए गए हैं। जो जो विभाग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ इत्यादि में लगाए हुए हैं, वो सभी जो पोल्यूशन मिटिगेटिंग मेथड्स हैं, वेज हैं, उनको प्रयोग करते हुए जो आगे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं वो करें, इस चीज़ के संबंध में भी निर्देश दिए गए हैं। और सभी विभाग और सभी लोगों में भी एक जागरूकता किए जाने की आवश्यकता है। तो पोल्यूशन डिपार्टमेंट नोडल डिपार्टमेंट होने के नाते जो सभी आवश्यक दिशा निर्देश हैं या जो सभी आवश्यक कार्रवाई की जानी है उस संबंध में डायरेक्शंस और उस संबंध में जो डिस्कशंस हैं वो ज़रूर करें। इसके अलावा मानक के विपरीत चलने वाले वाहनों पर भी प्रतिबंध लगाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। गृह निर्माण के कार्य में लगे संस्थाओं को भी निर्देशित कर दिया गया है कि वह किसी प्रकार के निर्माण कार्य जहां प्रदूषण होने की संभावना है तो अगले आदेश तक स्थगित करने एवं नए निर्माण कार्यों को न करने की हिदायत दी गई है। नगर निगम द्वारा कूड़ा जलाए जाने वाली घटना को लेकर पूछे सवाल पर उन्होंने कहा कि मुख्य नगर आयुक्त को इस विषय पर तथा संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। इस संबंध में भी नगर आयुक्त साहब से बात की गई है और नगर आयुक्त साहब इस संबंध में जो आवश्यक कदम है वो ज़रूर उठाएंगे। जो पोल्यूशन हमारा जनपद का विद इन नॉर्म्स रहे, इस चीज़ को सुनिश्चित जरूर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सड़कों पर पानी का छिड़काव, पेड़ पौधों की धुलाई जैसे कार्य भी शुरू कर दिए गए हैं ताकि सही मात्रा में ऑक्सीजन का फिल्ट्रेशन हो सके। इसके अलावा आम जनता से अपील की जा रही है कि प्रदूषण संबंधित सभी मानवों को ध्यान रखते हुए सार्वजनिक परिवहन के संसाधनों का उपयोग करें तथा घरों के बाहर कूड़ा जलाने से लेकर ऐसे कार्य जो कि पर्यावरण के लिए हानिकारक है पर नियंत्रण करें ताकि हम अपना वातावरण स्वच्छ एवं निर्मल बनाने में सफल हो सकें।